नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताऊंगी जो आपको महीने में एक बार अपने प्लांट्स में करनी है, खासकर गुलाब पे अगर आप फूल पाना चाहते हैं। इस मौसम में भी गुलाब पर बहुत अच्छे फूल आप पा सकते हैं। ये मेरे गुलाब के प्लांट हैं जो अभी इस टाइम पर इतने अच्छे, देखिए इन पर कलियाँ आ रही हैं और पत्तियाँ भी सारी बहुत अच्छी अच्छी इसमें नई निकल रही हैं। तो गुलाब पर तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा और जितने भी प्लांट्स हैं आप उनमें भी इसका यूज़ करिए, बहुत ज़्यादा फूल आएंगे, बहुत अच्छी कलियाँ आएंगी। ये एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र भी है और बहुत ही बढ़िया एक कीटनाशक भी है। इसको यूज़ करने से हमारे पौधों की मिट्टी बहुत अच्छी रहती है, मिट्टी में फंगस की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती है। और अगर पत्तियों पर हम इसका यूज़ करते हैं तो हमारा पौधा बहुत तरह की बीमारियों से बचा रहता है। तो फूल पाने हैं अच्छे और पौधे को बिल्कुल स्वस्थ रखना है, मिट्टी को भी अच्छा रखना है, तो इस चीज़ का यूज़ महीने में एक बार ज़रूर करिए। तो चलिए क्या है वो चीज़ देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, मोगरा का प्लांट है जो अभी पूरी तरह से कलियों से भरा हुआ है। अभी कुछ ही दिन में सब बहुत फूल आने वाले हैं। और ये मेरे जरबेरा के प्लांट है जिन पर अभी फूल खिले हैं। तो यही सब चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ जिनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। और अभी तो धूप भी बहुत कम आती है मेरी बालकनी में, गर्मियों में मुश्किल से 2 घंटे 2.5 घंटा धूप आती होगी। और अब देखिए फूल सब पर ज़रूर खिले रहते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करके हम अच्छे फूल पा सकते हैं। अगर धूप अच्छी आती है तो और भी अच्छा रिज़ल्ट हम पा सकते हैं। तो महीने में एक बार आपको अपने प्लांट्स में राख का यूज़ करना है। राख आप लकड़ी को जला के अपने घर में आराम से बना सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा राख है तो अपने सभी प्लांट्स में इसका यूज़ महीने में एक बार करिए। तो आपको सिर्फ 1 चम्मच अपने प्लांट्स में यूज़ करना है, 1 चम्मच भर के डाल दीजिए, इससे ज़्यादा यूज़ ना करें। महीने में एक बार ही यूज़ करना है। गुलाब पर बहुत बढ़िया आपको रिज़ल्ट मिलेगा, आप यूज़ करके देखिए। रेगुलर आप यूज़ करेंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस तरह से गुलाब में आपको 1 चम्मच भर के डाल देना है। मिट्टी सूखी होनी चाहिए जिस टाइम पर आप इसका यूज़ करते हैं, तो और बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा। आप उपले की राख का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास लकड़ी नहीं है तो। लकड़ी की राख ज़्यादा अच्छी इसलिए रहती है क्योंकि इसमें कोयले भी रहते हैं, थोड़ा छोटे छोटे जो लकड़ी के, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं मिट्टी में, तो बहुत बढ़िया इनका रिज़ल्ट मिलता है। आप यूज़ करके देखें, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। पहले ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती थी खेती में, आजकल तो इतनी सारी दवाइयाँ और वो सब चीज़ चल गई हैं। तो इसके बाद सूखी हुई मिट्टी में आपको पानी देना है। तो एकदम से जब हम सूखी मिट्टी में पानी देते हैं तो जड़ें एकदम पानी को खींचती हैं, उसके साथ जो भी हम देते हैं वो भी एकदम से जड़ों तक पहुंचता है। तो इसीलिए जब भी कुछ चीज़ देनी हो तो मिट्टी थोड़ा सूखी रहनी चाहिए। आपका जो गार्डन है वो बहुत ही स्वस्थ रहेगा इसको यूज़ करने से। महीने में एक बार आप ये यूज़ करिए। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाय। जय सियाराम।